हेलो फ्रेंड्स, मैं परेश पीवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है फ्रेंड्स, लेकिन आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा फ्रेंड, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में। फ्रेंड्स, हम अलग अलग मोबाइल लेते हैं, अलग अलग मोबाइल में हम अपना सिम कार्ड डालते हैं, उसमें अलग अलग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो जाते हैं और कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे मोबाइल में रहते हैं। फ्रेंड, हम जब भी कभी भी सेव करते हैं अपना मोबाइल नंबर, तो वो करते हैं हम अपने मोबाइल के स्टोरेज में, और मोबाइल कभी हमने बेच दिया, बिगड़ गया मोबाइल, सपोज़ अपना सिम अभी कभी सिम कार्ड में आपके नंबर होंगे, तो सिम कार्ड कभी कभी हम पोर्ट आउट कर लेते हैं फ्रेंड। एक कंपनी से दूसरे कंपनी पर जाने के बाद हमें जो बहुत ही बड़ी तकलीफ होती है, वो होती है कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा आसान सा तरीका बताऊंगा, इसके लिए कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड। ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक के बदौलत आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेफली रख सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रिक मैं आपको बता दूं, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक एक करके मैं धीरे धीरे सब तीन चार ट्रिक आपको समझाऊंगा फ्रेंड्स, आप सब करके सब ट्रिक ध्यान में ली लीजिएगा फ्रेंड्स। सेटिंग में जैसे आप जाओगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आपको अकाउंट्स करके ढूंढना है। मेरा यहाँ पे कूल्स एंड अकाउंट यहाँ पे फ्रेंड्स, क्लाउड एंड अकाउंट यहाँ पे, अकाउंट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ फ्रेंड, तो यहाँ पे मुझे गूगल को सिलेक्ट करना है। गूगल को मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका मेल आईडी लॉगिन होना ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि आपका कभी भी आपका मोबाइल ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए, मोबाइल खो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका मेल आईडी तो आपके पास रहेगा, उसमें सब कॉन्टैक्ट वहाँ पे स्टोर करके रखिएगा फ्रेंड। इसकी प्रोसेस क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। जैसे आप अपना यहाँ पे अकाउंट में गूगल ओपन करते हो, तो यहाँ पे सपोज़ आप कभी आपका नंबर पोर्ट आउट होने के बाद दूसरे इसमें सिम डाल रहे हैं, दूसरा सिम आप खरीद के उसमें मोबाइल नंबर आपको सब चाहिए, तो आपको वो करने से पहले यहाँ पे सब स्कैन कर लेना है। स्कैन नाउ जब करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की डेट आ जानी चाहिए और वहाँ पे आज का टाइम आ जाना चाहिए, तभी ये पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट आपके जीमेल पे चले जाएंगे फ्रेंड्स। तभी भी नहीं गए तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। अभी ये स्कैन हो रहा है फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पे सबके सब स्कैन हो जाता है, आपका सब मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट वगैरह जो डेटा वगैरह रहता है, वो सभी के सभी जीमेल में सेव हो जाता है आपकी मेल आईडी के ऊपर फ्रेंड्स। अभी ये स्कैन हो रहा है फ्रेंड्स, इसको हम स्कैन होने देते हैं फ्रेंड। और आपको दूसरा काम क्या करना है मैं बता देता हूँ, आपको कॉन्टैक्ट में जाना है फ्रेंड्स। कॉन्टैक्ट में जैसे ही आप अपने मोबाइल के जाओगे फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे तीन डॉट्स पे क्लिक करना है। तीन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको डिफॉल्ट स्टोरेज लोकेशन, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे जीमेल या गूगल सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप गूगल सिलेक्ट करोगे तो आप कोई भी नया कॉन्टैक्ट ऐड करोगे तो वो जीमेल में सिलेक्ट होगा, यानी कि आपके गूगल के अकाउंट में सिलेक्ट होगा। यहाँ पे फ़ोन सिम आप नहीं रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे गूगल रखिएगा, इससे आपका फ़ायदा होगा। और दूसरा यहाँ पे स्कैन कॉन्टैक्ट है, उसको भी क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका सपोज ये ऑफ होगा फ्रेंड्स, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ से स्कैन इसको कर लेना है फ्रेंड। ये सेटिंग आपको अपने मोबाइल में, जो कि आप अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें करनी है फ्रेंड। ये सब कुछ करने के बाद आपको एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन करने के लिए आपके मोबाइल के ब्राउज़र में जाना है फ्रेंड्स। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है गूगल फॉर कॉन्टैक्ट। हमें यहाँ पर गूगल फॉर कॉन्टैक्ट पे सर्च करता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं आपको वो सेटिंग भी दिखा देता हूँ कि जो आपने की है वो सही में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। जो सबसे पहले वेबसाइट आती है गूगल कॉन्टैक्ट, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है फ्रेंड। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो फ्रेंड, तो आपका जीमेल लॉगिन होगा तो ठीक है, नहीं लॉगिन होगा तो आपको जीमेल लॉगिन कर लेना है फ्रेंड। देखिएगा, मेरे जितने भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट है, सभी के सभी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे जीमेल में आ गए फ्रेंड्स, बिना कुछ करे हुए, बिना कुछ एप्लीकेशन के अपलोड किए हुए, कुछ भी करना नहीं है फ्रेंड्स। आपको मैंने जो सेटिंग बताई है, सिंपली वो सेटिंग आपको अप्लाई करनी है। वो सेटिंग करने के बाद आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं, वो सभी के सभी आपके मोबाइल के जीमेल अकाउंट में आ जाएंगे। ये थ्री लाइंस दिख रही है फ्रेंड्स आपको, सपोज़ आपके कॉन्टैक्ट अभी भी नहीं आए तो ये थ्री लाइंस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको इम्पोर्ट नाम एक्सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको इम्पोर्ट यानी कि लेना, मतलब आपको इम्पोर्ट पे क्लिक करके आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर पड़े हुए हैं सिम में या आपके फोन में, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब के सब आपको इंपोर्ट करेंगे जीमेल में ले लेना है फ्रेंड। जैसे आप उसको करोगे तो आपके सभी कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल में आ जाएंगे फ्रेंड्स। और आपको लग रहा है कि आपके पास डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट है,
कोई डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट तीन बार दो बार आ गया तो आपको सिंपली डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। जितने आपके फ़ोन में डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट होगी सभी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और आप उसको मैच करके, मतलब जो एक ही कॉन्टैक्ट रहेगा बाकी के दो कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएंगे, मतलब आपके सभी कॉन्टैक्ट क्लियर हो जाएंगे खाली एक ही सेटिंग से। फ्रेंड्स ये जो तरीका है बिल्कुल आसान तरीका है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली मैंने जो ट्रिक बताई उसको फॉलो करके आपके सभी कॉन्टैक्ट सेव कर लेने हैं। क्योंकि मोबाइल में कॉन्टैक्ट से बढ़िया जो हमें फीचर कोई नहीं बताता फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, इसलिए ये ट्रिक को आप ज़रूर याद रखिएगा और ये ट्रिक को ज़रूर आजमाएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक कैसी लगी। आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर सभी सेफ हो जाएंगे, इसके बाद आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर को कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।